यो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो हम यहाँ पर आज फंस गए हैं गाइस, बट हमें करना पड़ेगा स्पिन व्हील का चैलेंज अगर हमें यहाँ से निकलना है। सो लेट्स गो, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है मेरी बारी, यहाँ पर मैं शूट करने की ट्राई करता हूँ एंड मुझे मार रहा है ब्लू के ऊपर। मैं जल्दी से ब्लू के ऊपर मैंने शूट कर दिया है। अब है मेरे भाई की बारी, जल्दी से देखते हैं वो किसके ऊपर शूट करता है। तो उसने ग्रीन के ऊपर कर दिया है। तो गाइस अब हमें जल्दी से चलना पड़ेगा अपनी ट्रेन के ऊपर, देखते बैठ कर वहाँ पर कहाँ पर जाना है हमें, एंड जल्दी से अपना डोर खोलते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पर मैं ट्रेन के ऊपर बैठ जाता हूँ एंड भाई वहाँ पर वो देखो वो भी आ रहा है, एंड देखते हैं फर्स्ट फाइट हम कैसे करेंगे। तो ये ऐसा है कि हम जिस कलर के ऊपर शूट करेंगे हमें उस घर के अंदर जाना पड़ेगा, एंड उस घर के अंदर जो भी होगा हमें उससे फाइट करनी पड़ेगी। इसे देखते हैं भाई इसे क्या मिला है। ओके गाइस, तो इसे मिला है टोटम ऑफ अंडाइम, एंड देखते हैं मुझे क्या मिला है। सो ओके, जल्दी से मैं अपने घर के अंदर आ चुका हूँ एंड मुझे भाई मिला है ट्राइडेंट जिसके ऊपर लग रही है, देखते हैं गाइस लॉयलिटी 3 लगी हुई है, मतलब हम इसे मार सकते हैं। जल्दी से चलते हैं ट्रेन के अंदर बैठ कर एंड अब करते हैं फाइट। सो ओके, जल्दी से गाइस फाइट को स्टार्ट करते हैं एंड ओके सो लेट्स स्टार्ट। ओके भाई, यहाँ पर मैंने इसे मार दिया ट्राइडेंट के साथ, एंड भाई ये यार क्यों, इसके पास तो टोटम ऑफ अंडाइम है गाइस। एंड ओके कोई बात नहीं, हम इसे फिर भी मार देंगे गाइस। एंड यहाँ पर इसे मैंने फिर से ओके, तो यार इसे हम मारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं बट ये टोटम ऑफ अंडाइम से बच रहा है बार बार। बट कितने ही टोटम ऑफ अंडाइम होंगे इसके पास, आई थिंक कुछ 5-6 होंगे एंड हम इसे मार सकते हैं। तो ओके यार मैं पूरी कोशिश करता हूँ मारने की, अगर ये हमारे पास थोड़ा सा पास आ जाएगा हम इसे आराम से मार देंगे। ओके यहाँ पर इसे बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ेगा बट ओके ये दूर जा रहा है, मुझे मार भी रहा है ये, एंड बट ये काम कर रही है इसे बच रहा है बट मुझे मार नहीं पा रहा है। तो कोई बात नहीं गाइस, हमें वैसे भी बचना ही था। यहाँ पर इसे मार दिया, ये कुछ भी नहीं कर पा रहा है एंड ओके उसे फिर से बचा देता हूँ नहीं, एंड कितना देर बच सकता है ये मुझे तो अब तक नहीं पता है। एंड यहाँ पर हमने उसे फिर से मारा एंड ये ले भाई तू भी ले, ये ले भाई। ओके यो फिर से बच चुका है एंड ओके भाई इसने टोटम ऑफ अंडाइम नहीं पकड़ा था एंड मैंने इसे मार दिया। ओके सो फर्स्ट फाइट मैं जीत चुका हूँ एंड हम दोनों में से जो भी जीतेगा वो यहाँ से बाहर निकलता है। तो लेट्स सी हम दोनों में से कौन जीतेगा। सो फर्स्ट पॉइंट मेरा हो चुका है 1 पॉइंट, अब मैं मारने वाला हूँ पर्पल के ऊपर। तू भाई किसके ऊपर मारना चाहते हैं, मार दे जल्दी से भाई। ओके तो इसने वाइट के ऊपर मारा है गाइस, जल्दी से चलते हैं। ओके यार अरे अरे वापस क्यों भेज दिया, एंड ओके चलते हैं जल्दी से आगे की ओर। एंड यहाँ पर हम आ चुके हैं गाइस, उतर गए हैं एंड ये वाइट के अंदर है, इसका क्या है देख लेते पहले अपने के पास जाते हैं। तो ओके अपने को मिला है ये वाला जो है वेब है। सो ओके तो ये है क्रॉस बो एंड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है एरो ऑफ डिके, यार एरो ऑफ हार्मिंग मिल जाता तो अच्छा रहता। सो गाइस हमें करना है फिर से स्टार्ट मैच, इसके पास TNT है भाई, मुझे इसे बहुत बचना पड़ेगा एंड इसे भाई TNT चलाने नहीं देना है हमें, कुछ भी हो जाए हमें इसे TNT को चलाने नहीं देना है। ओके मैं इसे मार रहा हूँ भाई, बार बार मार रहा हूँ एंड ये ले। ओके भाई ये भर क्यों नहीं रहा है, डीके से ज़्यादा कुछ होता नहीं है क्या, तुम मुझे कमेंट में बताओ। मैंने डीके वाला तो यूज़ कभी नहीं किया है, मैंने हार्मिंग का ही यूज़ किया है। सो आई थिंक सो इससे कुछ ज़्यादा होता नहीं है और हम इसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। ओके भाई ये मर क्यों नहीं रहा है भाई, इसे एरो भी नहीं लग रही है, क्रॉस बो से मारना बहुत मुश्किल होता है एंड बट अगर हम बो से मारें तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है यार। एंड ये देखो ये किधर किधर जा रहा है भाई, यहाँ पर रुकना भाई, अबे तेरी तो अबे ये भाग कैसे रहा है, इसे ऐसे मारना तो बहुत मुश्किल है। ओके इसके ऊपर शूट करते हैं, अरे अबे भाई पीछे हो जाओ। ओके तो बच गए हम गाइस, यहाँ पर यहीं पर बम फूट गया है बट हमें अभी इसे मारना पड़ेगा कुछ भी, इसके पास बहुत TNT होंगे एंड यार इसे मारने की कोशिश। ओके भाई हमने इसे यहाँ पर भी मारा एंड मर मर ऐसे ही मारने की कोशिश करते हैं भाई, ये एरो से तो मर ही नहीं रहा है भाई, पता नहीं क्यों है ये एरो से क्यों नहीं मर पा रहा है। ओके यहाँ पर आ जा भाई तू, एक मिनट मैं जल्दी से अपनी एरो को कर लूँ स्टार्ट। अरे 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 ये क्या भाई यहाँ पर, अरे गाइस चुका है अभी तक मेरा कोई भी पॉइंट एक ही हुआ है मतलब, अरे सॉरी गाइस। ओके कर दिया येलो के ऊपर शूट एंड अब है इसकी बारी एंड इसने भी गाइज ऑरेंज के ऊपर कर दिया शूट, देखते हैं किसके ऊपर किया है। एंड ओके यार इसने ऑरेंज के ऊपर कर दिया शूट, इसका ऑरेंज था। तो अब जल्दी से हमें जाना पड़ेगा। ओके गाइज चलते हैं जल्दी से ट्रेन के अंदर बैठकर। ओके भाई ये देखो किस तरीके से टेलीपोर्ट कर गया है, ये ग्लिच था क्या मुझे नहीं पता। एंड ओके यहाँ पर हम चलते हैं जल्दी से माइन कार्ट को लेकर एंड यहाँ पर मैंने रखी माइन कार्ट एंड राइड, जल्दी से चलते हैं। ओके तो यार हम पहुंचने वाले हैं एंड ओ अरे अरे भाई भाई मैं वापस जा रहा हूँ, तो अरे जल्दी से आ जा। ओके तो यहाँ पर देख सकते हो मेरा है येलो, इसका है ऑरेंज एंड भाई यहाँ पर
इसे बंद कर देते हैं। एंड यहाँ ये देखो यार, हमें मिला है एक प्रोटेक्टिव आर्मर, क्या यही मिला है? नहीं 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 भाई, हमें फुल आर्मर मिला है, इंचांटेड नेदर राइट प्रोटेक्शन 4 का आर्मर। भाई कितना ओपी है ये, अब तो यार हमारा हारना बिल्कुल मतलब तय ही नहीं है यार, मतलब अब तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। इसको क्या मिला है, लेट्स सी गाइस। इसका तो कुछ शायद ज़्यादा घटे ही होगा हमसे। तो ओ भाई, इसे तलवार मिली है प्रोटेक्शन 5 की नेदरराइट की। भाई बहुत तकड़ा मुकाबला होने वाला है, देखो उसे कितना ओपी मार है। अभी से स्टार्ट कर दिए, कोई बात नहीं, आ तू बेटे, अभी तुझे बताता हूँ मैं। जल्द से ट्रेन के अंदर बैठ के चलते हैं गाइस, एंड करते हैं फाइट को स्टार्ट अपनी को। ओके तो तू भी आ जा भाई पीछे से। अरे जाने, अरे भाई ये तो जाने नहीं दे रहा। ऐसे ही फिलहाल गाइस ऐसे चलते हैं, हम यहाँ पर चल कर ही चलते हैं भाई। ओके तो गाइस यहाँ पर हम आ जाते हैं यार, जल्दी से चलते हैं आगे की और। एंड भाई ओके, फाइट बहुत ज़्यादा होने वाले गाइस, तो इस वीडियो को एंड तक देखना कौन जीतने वाला है, क्योंकि के भी आपने देखा नेदरराइट फुल एन्चेंटेड आर्मर के साथ अगर हम फाइट करें नेदरराइट स्वॉर्ड मैन बंदे की, कौन जीतेगा? ऑब्वियसली यार मेरे पास प्रोटेक्शन ज़्यादा है, इसकी तलवार को ज़्यादा नहीं कर पाएगी यार, मैं फिर ऐसे ही मार दूंगा हाथ से, क्योंकि मेरा हाथ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। सो लेट्स स्टार्ट, से माना स्टार्ट करते हैं फाइट स्टार्ट। ओके भाई ये देखो कितनी तकड़ी एनिमेशन कर रहा है। ओके बट कोई बात नहीं, तो जीत नहीं पाएगा। ये ले ये ले, एंड फिर हमें मारना है पटक पटक के। एंड हाथ भाई ये देखो कितनी डैमेज कर रहा है, दो का डैमेज हो चुका है भाई। आखिरकार नेदरराइट स्वॉर्ड यहाँ पर जो है इसके ऊपर 5 लगा हुआ है, क्या कहते हैं प्रोटेक्शन 5 में यार, जिसे हम मतलब पढ़ना से कहते हैं। एंड बढ़ हमें से निकलने वाले हैं, हमें से मान है कुछ भी कर। ओके ये मर रहा है, हमारा एक पॉइंट, इसका एक पॉइंट है। अगर हमने ये मैच जीत लिया तो हमारा 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, एंड आगे का मैच हम कुछ भी करके जीत लेंगे, एंड हमें इसे मैच जीते नहीं देना है। ओके अरे 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 नहीं, ओके गाइस तो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्थ कम हो चुकी है, एंड आई थिंक इसकी भी हेल्थ कम हो गई होगी। हमें ऐसे मारते रहना है, एंड हमारे पास वैसे आर्मर है तो हम इसे मार ही देंगे। बट अरे यार हमारी ज़्यादा हेल्थ कम हो रही है, एंड ये मर क्यों नहीं रहा है भाई, इसे मारने की कोशिश। अरे अरे भाई हम हार गए यार, क्या भाई दो पॉइंट इसके हैं, एक पॉइंट मेरा है। लेट्स स्टार्ट यार, हमें इस राउंड को मुझे जीतना पड़ेगा, वरना ये बाहर निकल जाएगा, मैं सदा के लिए यहाँ पर फंस जाऊँगा जब तक कोई न्यू बंदा नहीं आता। ओके रेड पर मैंने शूट कर दिया है, एंड इसे करना है, अरे इसने भी रेड पर कर दिया है। देखो मैं जूम करके देखते हैं यहाँ किधर इसने शूट किया है, या इसने भी रेड पर ऊपर कर दिया, पर ये रेड पर नहीं कर सकता, इसलिए मैंने इसे दोबारा कहा है शूट कर ब्राउन के ऊपर, तेरा बस ब्राउन रहता है। एंड ओके देखते हैं यहाँ पर भाई इसने किस पर, ओके तो यहाँ पर इसने ब्राउन पर कर दिया है शूट। ओके ये जा रहा है ऐसे ट्रेन के ऊपर से, एंड यार इसका देखते हैं, ये देखो यार देखो ग्रीन तो इसने कब घर ले लिया था, काश ग्रीन मुझे मिल जाता टोटो नहीं अब मिल जाता तो मैं इसका बहुत ओपी यूज़ कर लेता। ओके यार मुझे ये क्या मिला है, फ्लिंट एंड स्टील। ब्रो भाई ये क्या है, बेकार सी चीज़ है एकदम ये तो, मतलब ओके तो स्टार्ट हो चुके हैं, कॉबवेब मिला है भाई, ओपी यार कॉबवेब काफ़ी ओपी चीज़ है। बट एक काम है गाइस, इसे ये कॉबवेब यूज़ करना बिल्कुल नहीं आता, ये अभी थोड़ा सा न्यूब है माइनक्राफ्ट के अंदर, एंड से नहीं पता कि मुझे ये फंसा कर इसके अंदर आराम से मार सकते हैं हाथ से। एंड बट मैं से फ्लिंट एंड स्टील से इसकी जाल में मैंने इसे फंसा दिया गाइस, ये खुद कॉबवेब में फंस चुका है। ओके तो ये अब मैं इसे हरा दूंगा ऐसे ही। ओके गाइस तो ये बहुत बुरा फंस चुका है, अरे मेरा एक फ्लिंट एंड स्टील ख़त्म हो चुका है, एंड इसे मैं ऐसे ही मारने वाला हूँ, ये बचने, अरे भाई ये खुद फिर से फंस गए जाल के अंदर, इसे मार देंगे गाइस हम, मरने वाला है बस भाई, मर जा भाई क्यों नहीं। ओके भाई ओके तो हम बच गए हैं गाइस, इसके 2 पॉइंट मेरे 2 पॉइंट, यानी अब हम दोनों ही बच जाएंगे, दोनों चले जाएंगे, तो अच्छी बात है ये अभी खुद जाने से पहले। ओके तो अभी ये गुस्सा है, कोई बात नहीं अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।